हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड फॉरएवर। आज हम वड़ा पाव बनाएंगे। वड़ा पाव मुंबई का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है और इसे बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए नए नए फूड रेसिपीज वीडियोज लाता रहूँगा। तो चलिए देखते हैं कि वड़ा पाव बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। 6 से 7 बॉयल और मैश किए हुए पोटैटोस, 1 कप बेसन, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड्स, 7 से 8 कड़ी पत्ता, 1/2 कप कोरिएंडर, 2 टेबलस्पून गार्लिक चिली पेस्ट, 1 पिंच सोडा बाइकार्बोनेट, 2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून हींग, 2 टेबलस्पून ऑयल और स्वाद अनुसार नमक। सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे। उसके लिए पहले 1 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गरम होने के बाद उसमें 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड्स और 7 से 8 कड़ी पत्ता डालेंगे और इसे 1 मिनट तक सौते करेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून हींग यानी कि एसोफोटिडा डालेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। इसके बाद 2 टेबलस्पून गार्लिक चिली पेस्ट डालेंगे। इसकी वजह से हमारा वड़ा स्पाइसी बनेगा। अब स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसके बाद 1 टीस्पून हल्दी डाल के इसे मिक्स करेंगे। अब हम 6 से 7 बॉयल और मैश किए हुए पोटैटोस को ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो जाने के बाद इसमें थोड़ा कोरिएंडर डालेंगे अब हमारा स्टफिंग रेडी है और इसे हम रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने देंगे। जब स्टफिंग ठंडा हो जाए तो हम इसके बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स को आप अपने पसंद के हिसाब से छोटा या बड़ा भी रख सकते हो। अब हम बैटर तैयार करेंगे, जिसके लिए 1 कप बेसन लेंगे और उसमें 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर इसका बैटर बना लेंगे। अब इसमें 1 पिंच सोडा बाइकार्बोनेट डालेंगे और उस पर 1 टीस्पून गरम तेल डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। बैटर बन चुका है और इसमें अब हम बॉल्स डिप करेंगे। और इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, हमारा वड़ा रेडी है। पाव हम बीच में से कट कर लेंगे और उसमें गार्लिक की चटनी लगाएंगे और उसमें वड़ा रखेंगे। तो लीजिए, हमारा वड़ा पाव रेडी है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।